ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर मनुष्य को जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता ही है, और आज के समय में तो परिस्थितियों से अनेक मनुष्य घिरते जा रहे हैं। केवल वे आत्माएं जो अभी अभी परमधाम से आई हैं, जिनका एक जन्म है या अधिक से अधिक दो, वो थोड़े बहुत सुखी हैं। लेकिन क्योंकि वो कमजोर आत्माएं होती हैं, इसलिए छोटी परिस्थिति आने पर भी वो घबरा जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, जो मनुष्य महान बने हैं वो अनेक परिस्थितियों को पार करके ही महान बने हैं। जिसको महान बनना है, जिसको मूर्ति बनना है, उसको हथौड़े तो खाने ही पड़ते हैं। हम अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएं, हमारी नेचर जितनी लाइट होगी उतना ही हम माइंडफुल बनेंगे, क्योंकि लाइट होने से संकल्प शक्ति वेस्ट नहीं होती, हमारे संकल्पों की स्पीड फास्ट नहीं होती, और परिणाम तय हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं। हमें शक्तिशाली बनना है, साथ साथ निर्भय भी, और साथ साथ बेफिकर बादशाह भी। हर चीज की फिक्र नहीं, जो कुछ हो रहा है ठीक है, सब अच्छा है। साथ में हम सब ब्राह्मण कुलभूषणों को तो बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, बहुत बड़ी अवेयरनेस मिली हुई है कि स्वयं भगवान हमारा साथी है, जैसे कि वो हमारा बॉडीगार्ड है, हमारी छत्र छाया है, हर परिस्थिति में हमें मदद कर रहा है, उसका ज्ञान भी हमारे साथ है। सोचो, जिन्हें भगवान ही मदद करता हो वो कितने निश्चिंत होंगे, जिनका डायरेक्ट हॉटलाइन का कनेक्शन हो भगवान से वो कितने निश्चिंत होंगे। तो अपनी नेचर को हम बहुत शक्तिशाली बनाएं, लाइट बनाएं, और इसके लिए जरूरी है कि हम सदा श्रेष्ठ ज्ञान की स्मृति में रहें। अगर हमें यही स्मृति रहे कि स्वयं भगवान ने कहा है तुम बेफिक्र बादशाह बन कर रहो, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर देकर फकुर ले लो, तुम निश्चिंत जीवन जियो, भगवान सामने खड़ा होकर कहता है, अगर केवल ये स्मृति ही रहे तो हम समझ सकते हैं हमारे मन की स्थिति कितनी पावरफुल रहेगी। तो हम घबराए नहीं, छोटी बातों में अटके नहीं, साथ में ये भी याद रखें, देखिए दो चीजों को बिल्कुल बैलेंस में रख दें, ये कलयुग का अंत है, यहाँ सभी को अपने अपने हिसाब किताब भी पूरे करने हैं, यहाँ सच्चे नाते नहीं हैं, यहाँ अपनों से ज्यादा कष्ट है, यहाँ धोखा बहुत है, ये कलयुग का अंत। दूसरी ओर हम संगम युग पर भगवान हमारा साथी, श्रेष्ठ ज्ञान हमारा श्रृंगार, श्रेष्ठ ज्ञान की हमें लाइट मिली है, और परमात्म ज्ञान से और योग से हमें माइट भी मिल गई है, दोनों को याद रखेंगे, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो हम अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाएं, और इसके लिए तीसरी बात याद रखेंगे, श्रेष्ठ स्वमान, मैं विजय रतन हूँ, मेरी विजय कल्प कल्प हुई है, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जिसने हजारों लाखों बार विजय प्राप्त की हो, उसके लिए विजय प्राप्त करना तो चुटकी का काम होगा। साथ साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। ये दोनों स्मृतियां हमारी शक्तियों को बढ़ाती चलती हैं। हम ये भी याद रखें, बहुत सुंदर स्मृति, मेरे पास
पवित्रता का बल है। पवित्रता के बल के समक्ष परिस्थितियां ठहरेंगी नहीं। हम इन तीनों स्वमान को याद रखें, पवित्रता का सूर्य मास्टर सर्वशक्तिवान और विजयी रतन। आज सारा दिन इन तीनों की स्मृति के द्वारा हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाकर रखेंगे और साथ साथ याद करेंगे परम धाम से, सर्व शक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। विजुअलाइज करें, घंटे में एक दो बार करने से ही हम बहुत शक्तिशाली बने। ओम शांति।